यही यही तो मैं कह रही थी कि तुम यहाँ जरूर कोई बड़ा प्लान बनाकर आए हो। हम यहाँ चाहे कितनी भी बात कर लें, हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा और कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी बात करने को कुछ बचा नहीं है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मेरी बेटी को भी स्कूल जाना है, वो भी बहुत लेट हो चुकी है। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मेरा यही जवाब होगा। और अगर कभी गलती से भी तुम मेरे सामने आ गए ना, तो देख लेना, तुम पर बलात्कार का केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, फिर जेल में सड़ते रहना। और वैसे भी तुम जैसे लोग बाहर रहे उससे अच्छा है जेल में रहे। गुड बाय। उसे भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ओके स्वीटी, शाम में पिक करने आती हूँ। ओके ओके बाय। ये तो नंदिनी की बेटी है, लेकिन ये यहाँ पर आखिर क्या कर रही है? हेलो बेटा, नंदिनी तुम्हारी मम्मी है ना? ये बताओ, क्लास छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? अरे अंकल, आपने जो पूछा है उसका जवाब मैं बाद में दूंगी, अभी जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर आप दीजिए। बताओ क्या आंसर देना है मुझे? अच्छा बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, जरा बताओ मुझे। अंकल आप कौन हो? आपका मेरी मम्मी के साथ क्या रिलेशन है? मेरी मम्मी आप पे गुस्सा क्यों कर रही थी? अपनी मम्मी को मैंने किसी के ऊपर इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन आज वो आपके ऊपर गुस्सा कर रही थी। ऐसा नहीं है बेटा। मम्मी आपके ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी बताओ ना। देखो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इन सब बातों पर ध्यान मत दो बेटा। नहीं, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। देखो तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। ओके चलो अब स्कूल चलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे सारी बातें क्यों नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, मेरी बात तो समझो। तो फिर बताओ ना, मम्मी आप पे गुस्सा क्यों कर रही थी अंकल? तुम्हारी मम्मी मेरे पे किसी बात पे गुस्सा हो सकती है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं बताइए ना मुझे। क्योंकि वो एक धोखेबाज है, he's a cheater। अच्छा मम्मी, उन्होंने क्या चीटिंग की? उसने मुझे धोखा नहीं दिया, मेरी फ्रेंड को दिया। आपने मेरी मम्मी के फ्रेंड को धोखा दिया है? फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? वही जिसको आपने धोखा दिया, वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है। अंकल को लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ इसलिए मुझे बुद्ध बना लेंगे। अच्छा ये बात है। वही। और क्या बोला?
तुम्हारी मम्मी ने मेरे बारे में हा? उसने मेरी फ्रेंड को ये बोलकर धोखा दिया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। मेरी फ्रेंड ने उस पर भरोसा किया और वो उसे छोड़कर चला गया। देखो बेटा, कोई किसी को जानबूझकर धोखा नहीं देता है बेटा। समय और किस्मत उसे ऐसा करवाते हैं। कुछ लोग धोखा नहीं देते पर उन पर धोखेबाज का टैग लग जाता है। हम गलती नहीं करते पर हमें गलती माननी पड़ती है। बेटा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर मैं कहां पर था। मैं जेल में था बेटा, जेल में। क्या आप जेल में थे? हाँ बेटा, मैं जेल में था। ना की हुई गलती की मैं सजा भुगत रहा था वहां पर, और मेरी मुलाकात वहां पर एक अच्छे इंसान से भी हुई। मेरा नाम प्रकाश है। स्कूल में बच्चों को विद्या अभ्यास कराने वाला शिक्षक हूं मैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा था उसमें बहुत सारे गरीब बच्चे थे। उनकी तकलीफ देखकर जब मैं उनकी हेल्प करने गया तो उन्होंने मना कर दिया। तब मैं उनसे आसान सवाल पूछकर प्राइस के रूप में उन्हें पैसों की मदद करता था, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। हमारे स्कूल में एक बदतमीज विद्यार्थी था। वो हमारे स्कूल के एक लड़की से प्यार का नाटक करके उसके पीछे पड़ गया था। उस लड़की के मना करने पर उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। तभी मैं वहां पहुंचा और मैंने उस लड़की को बचाया। उस गुस्से में आकर उस विद्यार्थी ने मेरा और उस लड़की का संबंध ऐसा कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की। पवित्र गुरु और शिष्य के संबंध को अपवित्र कर दिया। उस घटना के बाद वो लड़की इतनी दुखी हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। उस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये मैंने बहुत बार बोला, समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। मुझे अपने प्राणों से ज्यादा मानने वाले विद्यार्थियों ने ही गांव वालों के साथ मिलकर मुझे क्या इनाम दिया पता है तुम्हें? और न्याय जिंदा है, इसलिए उस इंसान को आखिरकार न्याय मिल ही गया और वो जेल से बाहर आ गया। लेकिन बेटा मुझे। लेकिन क्या अंकल? मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि मुझे एक दिन न्याय मिलेगा भी नहीं मिलेगा। फिर भी तुम सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी जरूर बताऊंगा। मेरी और उसकी मुलाकात एक एक्सीडेंट से हुई थी। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। आपका मतलब मेरी मम्मी की फ्रेंड से ना? हाँ हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बताइए। उस दिन जोर से बहुत बारिश हो रही थी। बारिश होने के बाद मैं ड्यूटी खत्म करके अपने घर आ रहा था कि तभी मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जिसके हाथों पर उसने पट्टी बांधी उसी ने उसकी आंखों में आंसू दिए और चला गया। लेकिन मम्मी, उन्होंने जाके बैंडेज क्यों बांधा? उन्हें तो एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए था, वही आके बैंडेज बांधते। आपकी फ्रेंड की ही गलती है मम्मी। करेक्ट बेटा, उस दिन तुम्हारी मम्मी की दोस्त ने मेरे दिल पर एक जादू सा कर दिया था और मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता था। और फिर मेरी उससे मुलाकात हुई चिकमंगलूर में। फ्रेंड उस गांव में क्यों गई थी मम्मी? अपने मन की शांति के लिए।
उस गांव में उसकी एक कॉलेज फ्रेंड रहती थी, हसीना नाम था। उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए उससे बात करने के लिए गई थी। अपनी फीलिंग्स? वो क्या थी मम्मी? उस उम्र में सभी लड़कियों के मन में वैसी फीलिंग्स आती ही हैं। जैसे सभी लड़कियों के साथ होता है वैसा ही उसके साथ हुआ। उसके मन में भी इच्छाएं, सपने, कल्पनाएं थी, लेकिन उस बुरे हादसे के बाद उसकी सारी इच्छाएं, सारे सपने टूटकर चूर हो गए। एक दिन उसके कॉलेज में सोलो वायलिन का प्रोग्राम था, वहाँ जाने के लिए वो तैयार हो रही थी, और उसी वक्त उसके अंकल का बेटा सागर उसके घर आया और उसने कहा कि वो अपने पसंद की लड़की के साथ शादी फिक्स कर चुका है। वो सब बहुत खुश थे। प्रोग्राम के लिए लेट हो रहा था, इसलिए उसने सागर से कहा कि वो उसे कॉलेज ड्रॉप कर दे। सागर उसे बिठाकर कार में जब लेकर जा रहा था, तब उस कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में सागर के सर पर गहरी चोट लगी थी, इसलिए वो एक महीने तक कोमा में था। सागर की जिस लड़की से शादी फिक्स हुई थी, उसके मम्मी डैडी को ज्योतिष ने कहा कि लड़के और लड़की की कुंडली नहीं मिल रही है, बस प्यार करते हैं इसलिए इन दोनों की शादी करवा दें, पर आगे चलकर शादी में प्रॉब्लम्स हो तो उसका कोई मतलब नहीं, ये कहकर शादी को कैंसिल कर दिया। और इसी वजह से सागर की फैमिली के लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस वक्त मेरी फ्रेंड सागर के साथ थी, तो कहीं अफवाहें ना फैल जाएं, इसलिए उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि इनकी शादी करवा देते हैं। ऐसी परिस्थिति थी कि मेरी फ्रेंड कुछ नहीं कर पाई, वो लाचार हो गई थी। उसी दुख को भूलने के लिए उसे चिकमंगलूर भेज दिया गया। मेरे सिर्फ चाचा और चाची थे, मेरे माँ बाप नहीं थे, और वो दोनों मेरे सब कुछ थे। उनसे मिलने के लिए मैं अपनी दोस्त के साथ उनके पास जा रहा था। हेलो अंकल, मैं चार्ली बोल रहा हूँ। वो नंबर पूछा था ना आपने? दो क्या? 98452 42606 लिखा क्या? आओ फोन करते हैं ना, ठीक है ना? यस यस। आंटी मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ, आपने मुझसे मेरा नया नंबर पूछा था ना, ये नया नंबर है। ओ, मतलब पर्सनल नंबर, आप किसी को मत देना। ये नंबर मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ, ठीक है? 98450 98452 नंबर किसी को मत देना आंटी। नहीं दूंगा। जब फ्री रहे तो कॉल करते रहना, मैं आपके कॉल का वेट करूंगी, ठीक है? ठीक है, रखती हूँ, बाय बाय। जब भी फ्री रहूंगा ना तो फोन करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। सर क्या करोगे? चल बताता हूँ ऊपर, आओ आराम से। सर क्या करने वाले थे अभी तक नहीं बताया। ए चुप हो जाना। अम्मा करिए आ गया, जिसको उतरना उतरिए, जल्दी करिए जल्दी।